अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो भाई वेलकम हो गया अनदर व्लॉग के अंदर आप सब लोगों का। भाई वेदर कैसा है कल, किन लोगों के यहाँ कितनी बारिश हुई, किसी ने कोई कमेंट करके नहीं बताया। भाई कमेंट करो यार, सब्सक्राइब करो। अभी मैं जो दिखाने वाला ना वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही आउटरेजियस है। भाई मौसम बहुत सुहाना हो गया है, ये है तो मौसम ही, लेकिन यार अलग ही लुक दे रहा है यार। ये चेक करें आप लोग, ओए होए होए, मेरे बैक साइड पर देखें और ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। क्या ही बात है यार, ये हिस्सा देखें कितने डार्क क्लाउड्स हैं यार। अल्लाह, ये देखें पूरा अल्लाह लिखा हुआ है, प्रॉपर अल्लाह लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, अल्लाह की कुदरत देखें, माशाल्लाह से प्रॉपर अल्लाह लिखा हुआ है। तो भाई ये देखें, क्या ही बात है यार, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या ही बात है। देखा आपने वेदर कैसा है भाई, लगता है कि किसी भी टाइम बारिश हो जाएगी और ठीक ठाक होगी। भाई आज तो बहुत ही ख़तरनाक है, मतलब कल से भी ज़्यादा डार्क पार रहे हैं। कल तो बारिश हुई है मेरे ख्याल से 5-10-15 मिनट की, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये उसका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा और ठीक ठाक बारिश होने वाली है। यार आप लोगों ने दुआ की या नहीं की मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है आप लोगों ने दुआ की है तभी बारिश हो रही है। यानी कल के ब्लॉग में मैंने आप लोग से कहा था कि दुआ करिएगा ना। ये देखें भाई, चीले वीले भी उड़ रही हैं यहाँ पर सामने, ज़बरदस्त यार, क्या वेदर हो रहा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। आप लोगों को ये वेदर कितना पसंद है मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा भाई। और मैं आप लोग को एक वो देना चाहता हूँ भाई कि जब बारिश हो, एक हिंट है, मतलब एक सजेशन है, जब बारिश हो कराची वाले हों तो भाई उसको खुल के इंजॉय करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब बारिश इंजॉय होती है तो ही मज़ा आता है ना यार, इसके बगैर तो। यहाँ पर तो वैसे ही इतनी बारिश होती नहीं है, आप लोग को तो पता ही है। तो अब जब बारिश मिल रही है तो उसको खुल के इंजॉय करें यार। यार ये चेक करें यार, कैसे खतरनाक बादल लग रहे हैं यार। इधर देखिए पिंक पिंक सा हो रहा है नीचे और ऊपर ब्लैक लेयर है, उसके बाद फिर हल्की सी वाइट। ये देखिए, ये जो है ना, ये पिंक पिंक है नीचे और ये पिंक पिंक आ रही है, ये ब्लैक आ रही है लेयर और ये वाइट लेयर आ रही है। और यहाँ पर जो है ना बर्ड्स वगैरह घूम रहे हैं, मतलब वही चील वगैरह जो है। बादल यार माशाल्लाह ठीक ठाक कवर हो चुके हैं, मुझे लगता है कि अब ये किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। भाई आप लोगों ने खुल के इंजॉय करना है, मैं भी खुल के इंजॉय करूँगा भाई। तो भाई अंधेरा तो हो चुका है लेकिन बारिश तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट हो गई है भाई, माशाल्लाह से बारिश आना शुरू हो गई है। और वही जो ऊपर येलो येलो टाइप का वो है ना, एक तरफ अंधेरा हो गया, दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी है। और वो जो पिंक पिंक टाइप का हम देख रहे थे ना थोड़ा सा, वही बादल आ गए भाई, उन्होंने बारिश शुरू कर दी है। आधी तरफ अंधेरा हुआ भाई, इस तरफ थोड़ी सी रोशनी है और इस तरफ जो है ना पूरा अंधेरा भाई, काले बादल चारों तरफ से छा गए भाई दबाकर। तो भाई आप लोग भी खुल के इंजॉय करें, मैंने बोला बारिश हो रही है आप लोग को भी बता दो, मैं भी इंजॉय करूंगा और आप लोग भी इंजॉय करें यार। यार फिर से बहुत तेज बारिश हो रही है भाई माशाल्लाह, आप लोग सब इंजॉय करें यार प्लीज यार। ये तो मुझे तो नसीब में ही नहीं मिल पा रहा क्योंकि मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, एक इमरजेंसी में निकला हुआ था। फुरकान को मैंने फोन किया, वो कह रहा भाई आ जाओ, लेकिन यार बारिश ऐसी हो गई मैं रास्ते में कैसे पहुँचूँ। कोशिश करते हैं कि जल्दी से पहुँचते हैं यार। भाई ये देखें आप लोग को बारिश नजर आ रही होगी और सब देखें इंजॉय करते हुए जा रहे हैं यार, और लाइटनिंग भी हो रही है यार माशाल्लाह। पहले तो अच्छा हो रहा था इसलिए आप लोग को पता नहीं चल रहा था, आप देखें कितनी ज़बरदस्त हो रही है यार। वाह क्या बात है यार माशाल्लाह, चेक कर रहे हैं आप लोग कितनी तेज बारिश हो रही है यार। कहाँ भाई फुरकान भाई, क्या हाल है, कैसी बारिश हो रही है? बहुत ही शानदार, बहुत तेज बारिश हो रही है भाई। बहुत मजेदार बारिश हो रही है भाई, ये देखिए आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, यकीन माने ऐसा जबरदस्त माहौल हो रहा है ये, बस माशाल्लाह। अभी चलते एंजॉय करते हैं यार। भाई इस टाइम बारिश में नहाने का और इसको एंजॉय करने का मजा ही कुछ और है यार, माशाल्लाह बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं 10 चौक, वहां पर नहाएंगे भाई। आज ज्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी है ऑलरेडी, और बाइक में अगर हम निकलते तो भाई बाइक यकीनन बंद हो जाती है इस वेदर के अंदर। तो इसलिए हमने सोचा है कि भाई ओए होए 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 क्या बारिश हो रही है यार। ये चेक करें आप लोग यार माशाल्लाह, क्या बात है यार, देख रहे ना बेहतरीन किस्म की बारिश, बिल्कुल सामने क्लियर हो रहा है भाई माशाल्लाह, नजर कुछ नहीं आ रहा है, इंडिकेटर वगैरह चल रहे हैं। आई मीन अभी हाँ हैजर्ड तो ऑन कर दूँ, हैजर्ड ऑन नहीं किया। ये सामने जो गाड़ी आ रही है ना, इसकी रेंज में आप लोग देखें कि आप लोग को नजर आएगी बारिश। क्या जबरदस्त बारिश हो रही है यार, मजा ही आ गया। फुरकान भाई क्या सीन है, इधर लू चलो भाई, वहाँ पहुँचते डेस्टिनेशन पे फिर आप लोग को एंजॉय कराते हैं। भाई मजे की बात ये है कि अभी जब ना बिल्कुल साफ रोड है भाई, किसी की गाड़ी खराब हो गई बेचारे की और पता नहीं कौन है। खैर ये चेक कर रहे हैं आप लोग, लोग बाइकों पे भी घूम रहे हैं भाई, बारिश हो रही है ठीक ठाक किस्म की। अच्छा रोडों पे ना रश खत्म हो गया है, बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। ये चेक करें जैसे लोग, जैसे फैमिली वगैरह होती है ना बाहर निकली हुई, इस टाइम बड़ा ये पूरा रौनक होता है। अभी तो सिर्फ एक ही बजे है मेरे ख्याल से, 2 बजे बल्कि है ना फोरकान भाई, क्या टाइम हो रहा है?
सवा एक बजे तो ये सब खुला हुआ होता है, पता नहीं आज क्यों बंद है। खैर भाई सब बारिश को एंजॉय कर रहे इसलिए बंद है मेरे भाई। क्यों भाई फुरकान भाई आपको मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। माशाल्लाह ये देखो भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं यार, मतलब सबके सब जो बाहर निकले हुए हैं, मतलब लड़के जो है ना वो बाहर इस टाइम निकले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलरेडी रात का टाइम हो रहा है यार, तो कौन निकलेगा। खैर भाई लड़के सब निकले हुए और बारिश को एंजॉय कर रहे हैं भाई, और हम लोग भी निकल गए हैं बारिश एंजॉय करने के लिए। आप लोगों को इतनी बारिश कैसे पसंद है? देखिए कल मैंने आप लोग से दुआ करवाई थी है ना, और आप लोगों ने और मैंने आपको कहा था कि जब आप लोग दुआ करेंगे ना इंशाल्लाह तो फिर बारिश भी होगी भाई। तो माशाल्लाह आज आप लोग की दुआ से देखो कंटिन्यूस बारिश हो रही है ना, माशाल्लाह से अल्लाह के करम से अल्लाह ताला यानी आप लोग की बात सुनता है। और आप लोग हमारे लिए भी बोले भाई कि हमारे सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ गए हैं भाई, जल्दी जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, मजा आ जाए। हाँ भाई फुरकान भाई, भाई बारिश की खुशी में मैं आप लोगों को सलाम करना तो भूल गया। अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ मेंबर्स, ऑल ऑफ अवर सब्सक्राइबर भाई अस्सलाम वालेकुम। हम मेंबर्स ही हैं यार, हम फैमिली मेंबर को फुरकान भाई कहना चाह रहे हैं ना, जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब हमारे फैमिली मेंबर हैं फुरकान भाई। हाँ, यही कहना चाह रहे थे ना, यही कहना चाह रहा था। ये भाई देखे भाई हल्की पुल्की ना लाइटनिंग भी हो रही है फुरकान भाई, आपको ये बिजली से डर तो नहीं लगता? लगता है यार, ये तो बड़ी गलत बात है यार, ये तो फुरकान भाई को हम गलत लेकर आ गए यार। कहते हैं कि जिनको डर लगता है ना उन्हीं पे गिरती है बिजली। फुरकान भाई के प्लग शॉर्ट हो गए यार बेचारा, ये बंदा एक ऐसा पता नहीं यार, मुझे तो इन बातों पे भरोसा नहीं है। हाँ। और ये भी भरोसा नहीं है जो काले कपड़े पहनता उसके ऊपर बिजली गिरती है। यार देखो इसमें भरोसा नहीं है, इसमें साइंस है बेसिकली कि ये जो अर्थ होता है ना अर्थ, ये ब्लैक चीजों को अट्रैक्ट करता है, ये तो हकीकत बात है। क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो आपने 9 या 10 में वो माइक्रोस्कोप वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि वो धूप से कागज के ऊपर ब्लैक वो पॉइंट किया था ना आपने, और फिर वो माइक्रोस्कोप हल्का सा धूप में रखते थे बारीक करते थे तो उसमें आग लग जाती थी और पूरे सफेद पेपर में नहीं लगती थी है ना। तो ये मैं कहता हूँ कि उससे अट्रैक्शन होती है, अब इतना तो मुझे पता है, लेकिन अब ये क्या होता है कम्प्लीटली मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी भाई होता तो है नो डाउट, क्योंकि अक्सर सुनने में आते हैं भाई किसी कॉलोनी के अंदर भैंस के ऊपर गिर गई है, सुनते हैं ना आप ये सारी चीजें। ज्यादातर बिजलियां जो गिरती हैं वो भैंस के ऊपर गिर रही होती है। तो भाई लोग जो है ना यहाँ पे चाय वाय भी पीने के लिए आए हुए हैं, और मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दूं चलते चलते। ये देखिए भाई चाय का होटल है और यहाँ पे गाड़ियों हो रहा है भाई, चाय का मूड हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, बस सही है फिर पिला दो। अच्छा पिला देता हूँ। क्या बात है भाई फुरकान भाई, आज तो चाय भी पियेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, क्या कहते हो? अच्छा चाहिए तो, क्योंकि भाई अब जब वेदर ऐसा है तो इस वेदर के अंदर तो मजा आएगा ना यार फुरकान भाई, आइसक्रीम का भी और चाय का भी, बिल्कुल है ना बिल्कुल। यार आप लोग भी खुल के एंजॉय करें, देखें फिर बार बार नहीं मिलती, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग को, ये कराची वालों को नसीब में बारिश नहीं होती, हम तो बस इस इंतजार में कि बारिश तेज हो। ओहो तेज हो गई, तेज हो गई और सामने मेरी गाड़ी आ गई है भाई। भाई मैं गाड़ी निकाल रहा था इसलिए थोड़ा सा स्टॉप हो गया, सॉरी यार। भाई तेज हो गई बारिश माशाल्लाह, ये देखिए पता नहीं आप लोग को नजर आ रही। अबे यार वाइपर तो तेज कर, अब नजर आएगी ना भाई ये चीज, जबरदस्त भाई। बेचारे की बाइक खराब हो गई यार, बाइक्स वालों का तो पता है यार, कुछ नहीं कर सकते यार फुरकान भाई, अभी रुकना ना बेकार है, अगर हम रुके ना और कहीं हमने ये कोशिश की तो हम खुद भी खड़े हो जाएंगे यार, तो ये मसला है। अब हम जो है ना आराम सुकून से नहाते धोते एक जगह पे खड़े होके और फिर घर की तरफ निकलेंगे, क्या बोलते हो यार? सही है ना भाई, तो चले भाई आ जाए एक जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं। भाई वीडियो तो नहीं बना सकूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश तेज हो रही है और मेरे पास वाटर प्रूफ वाला निजाम कुछ भी नहीं है भाई, सीधी सी बात है, तो उसमें वीडियो बनना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो भाई माशाल्लाह, भाई माशाल्लाह क्या बात है यार, और लोग जो है यहाँ पे बाहर निकल के आ गए हैं। जाहिर सी बात है यार हर किसी को बारिश पसंद होती है, तकरीबन 90% लोगों को, 10% कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बारिश पसंद नहीं होती, मैंने नोट किया ऐसा है फुरकान भाई। होता है ऐसा है, बहुत से लोगों को पसंद होती है और कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, पसंद नहीं होती, लेकिन पसंद होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। क्यों फुरकान भाई, ओए ओए क्या बात की है फुरकान भाई आपने, मेरे दिल की बात छीन ली, यकीन मानो भाई ये कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है यार, वाकई यार ये अल्लाह की कुदरत है, और इस बारिश को आपको एंजॉय करना चाहिए भाई, इन एनी केस अगर आप नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, क्यों भाई फुरकान भाई? बिल्कुल
चले भाई ठीक है, हम लोग चलते हैं एंजॉय करते हैं और थोड़ी सी देर में आप लोग को मिलते हैं। और हम पता है कहाँ आए, हम आए हैं ये अल्पाइन के पास, ये चेक करें आप लोग, यहाँ पर जो है ना नहाने का मजा ही कुछ और आता है यार, आराम सुकून से बैठे और लोग जो है ना एंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग फुल टाइम रश चल रहा है भाई यहाँ पर। यहाँ पे फुरकान में कहीं रोक लेते हैं साइड पे है ना, यहाँ खड़े होके आराम से नहाते धोते हैं यार, क्या कहते हो? चलो आ जाओ भाई, यहाँ थोड़ी सी बारिश कम हुई थी तो मैंने सोचा कि भाई मोबाइल निकाल लिया जाए। हाँ भाई फुरकान भाई मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? सही मजा आ रहा है ना यार, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है यार, हम लोग फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं। बारिश को आप लोग देख रहे होंगे हल्की हल्की हो रही है, अभी भी हो सकता है कि थोड़ी देर में तेज हो जाए, क्योंकि ऐसी हो रही है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। और ये देखें लोग भाई कैसे एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, ये चेक करें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है यार, जबरदस्त। ऐसा लग रहा है कि आधा कराची बाहर निकल के आ गया, इस टाइम भी इतना रश है, चेक करें यार क्या जबरदस्त मजा आ रहा है यार, देख रहे हैं आप लोग क्या बात है। तो भाई आज का व्लॉग जो है ना पूरा का पूरा रेन के ऊपर ही होगा। हमने क्या कहते हैं एक व्लॉग बनाना था आज वलीद के साथ, जो हमने कहा था कि एक पॉडकास्ट होगी, लेकिन वो पॉडकास्ट हमने नहीं बनाई क्योंकि भाई बारिश हो रही थी और हम लोग वो पोस्टपोन कर दिए, क्योंकि भाई बारिश में वलीद ना निकल के नहीं आ सकता था दुबई से, तो इसलिए हमने पोस्टपोन कर दिए। अब ये है कि भाई हम जो है ना इसको कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह या तो फिर परसों, दोनों में से कोई एक होगा। ये देखो भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं यार जबरदस्त, तो भाई सबके सब एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि आप लोग को दिखाते हुए भी चले यार माशाल्लाह। तो भाई आप लोग भी कितना एंजॉय कर रहे हैं यार बताएं तो सही यार, आप लोग कमेंट ही नहीं करते यार, कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना, अगर कमेंट ही नहीं करेंगे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, हाँ तभी तो कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे, यही एंजॉय तो कर रहे, यही तो मसला है ना, कमेंट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, अब ऐसा नहीं होता, कमेंट करना होता है ताकि हमें भी पता चले, सही बात है, और कितना एंजॉय हो रहा है भाई। ये देखें यार ये भी तीनों जा रहे हैं भाई, वाह भाई वाह, गाड़ियों पे गाड़ियां आ रही हैं, सब दिख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं भाई, ये चेक करें आप लोग जबरदस्त भाई। या फुरकान भाई कैसा ही मजा हो कि हमारे सारे पुराने दोस्त यार हो और हम लोग क्या कहते हैं यार ऐसी बारिश में दोबारा नहाया करें, मतलब जैसे पहले हम लोग करते थे, याद है तुम्हें? पहले मजा आता था यार, हम निकल जाते थे बारिश होती थी, ओए 10-12 लड़के एक साथ निकलते थे और इतना मजा आता था यार, इतना मजा आता था क्या बताया, वो बचपन की यादें दोबारा वापस नहीं आ सकती। इसको तो देखो जरा यार, ये देखो जरा चेक करो, उड़ा दिया भाई उसने, उड़ा दिया भाई उसने। यार आप लोगों ने किन लोगों ने ये जो पानी बहता हुआ आ रहा है ना, ये देखिए ये पानी जो बहता हुआ आ रहा है, इसमें किन लोगों ने अपने कश्तियां बना के कागज की और टहलाई है भाई, मतलब हम क्या करते थे बचपन में कि कागज़ की कश्तियाँ बनाते थे और कागज़ की कश्तियाँ बना के जो है ना ऐसे जब पानी बह के आ रहा होता था ना बारिश का, उसमें डाल देते थे भाई, बड़ा मज़ा आता था यार उस टाइम, आराम से भाई आराम से, बचत हो गई बचत हो गई भाई बचत। मैं बिल्कुल नीचे बैठ के बना रहा हूँ, ये रहा फुटपाथ, और नीचे बैठ के बना रहा हूँ ताकि वीडियो अच्छी आ जाए भाई आप लोग के लिए, ये चेक करें यार क्या बात है यार। ओ जूस का डब्बा टहलते हुए जा रहे हैं स्लाइस के, ओ भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो यार, एक थैली ये भी जा रही है, एक थैली ये भी जा रही है तैरती हुई। तो भाई ये आप लोग को एक स्पेशल मैसेज देना था, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया है कि भाई आप लोग जो भी चीज़ फेंकते हैं ना, ये जाके या ड्रेन के अंदर जाके ना ब्लॉकेज हो जाती है यार, जिसकी वजह से पता है क्या होता है, हम लोग को ही नुकसान होता है, ये जो जगह जगह गटर उबलना होता है ना, ये इसी वजह से होता है। तो इसलिए आप लोग चीज़ें जो भी है ना वो लिटर किया करें लिटर बॉक्स के अंदर, यानी कि डस्टबिन के अंदर डाला करें यार, ताकि ये सारे प्रॉब्लम ना हो। साइलेंट मैसेज है यार, जिसको समझ आए वो रख लेना, जिसको नहीं समझ आए वो भी रख लेना यार, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा यार। ये हमारे फुरकान भाई ना कुछ कहना चाह रहे हैं, जी फुरकान भाई। भाई ये ठंडे ठंडे मौसम में हाँ जो ना गर्मा गर्म चाय हो जाए, ओए फुरकान भाई आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली यार, वैसी धुएं वाली धुएंदार, सही है फुरकान भाई, फिर वो धुएं वाली चाय तो हमें एक ही जगह मिलेगी, वो मैरान डिपू पे, चले उधर चलते, उधर ही चलते है ना, चलो भाई मैरान डिपू पे चलते, ये देखो भाई स्पोर्ट बाइक जा रही है, हमें भी ले जाए यार, चला गया यार वो हमें लेके नहीं, ये छोड़ के चला गया, उसने बोला जाओ दबाओ बारिश भी ना। तो भाई अभी चलते हैं यार, चाय खाते हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं लोग यार, ये चेक करें यार, वाह क्या बात भाई, होटल पे इस वक्त रश देखें कितना चल रहा है भाई, जबरदस्त किस्म से लोग जो है बैठे हुए, वो अंदर जाकर बैठे हुए, आज बाहर की सीटें खाली हैं और अंदर का फुल टाइम भरा हुआ, भाई इसको क्या हो गया यार, चुप करा लो कोई यार भाई, ये तो कब दो रहा भाई हमारे आने से, आने की खुशी में ये कब धोने लग गया। हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, कैसे सेट है, सब मजे में,
चाय पिलाओ अच्छी थी और पराठा भी बनवाओ जरा अच्छा था। हम अपने दोस्त से मिलने जाते हैं। ये देखिए भाई सब के सब जो है ना अंदर बैठे हुए आज पराठे चल रहे इधर बेहतरीन भाई। सलाम अलैकुम। हाँ भाई क्या हाल चाल है कैसे हो ठीक ठाक हो? आज तो तुमने अंदर महफिल लगाई हुई पूरी भाई। हाँ आज अंदर महफिल लगाई हुई पूरी। बारिश कितना चल रहा है जबरदस्त भाई जबरदस्त। बारिश एंजॉय करने आए हो? हाँ बारिश एंजॉय करने आए हो? हाँ यार बारिश एंजॉय करने आए जबरदस्त भाई। वैसे भी हम लोग के नसीब में कमी होती है ना कराची वाले के नसीब में कभी कभी होता है बाकी यार जबरदस्त होती है ना बहुत जबरदस्त। हाँ यार हम लोग भी एंजॉय करते हैं भाई। तो चाय का क्या सीन है? चाय बना रहा हूँ ना रो। अच्छा वो भाई लाइट भी आ गई हमारे आते यार जबरदस्त। देखा तुम्हारे लिए कितने खुशनसीब लोग हैं हम लोग हैं। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो जाती है। जाहिर है वो तो होनी है ना गायब यार। लेकिन यार बारिश तो कभी कभार होती है ना तो कभी कभार लाइट जाए तो क्या मसला है? कराची में हवा भी चले बिजली गायब। नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं होता यार ऐसा नहीं होता। ये भाई ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। बस कर ले यार कौन से कराची में रह रहे हम भी यही रह रहे हैं भाई। चाय चेक करो यार जबरदस्त यार। ठीक है भाई चाय पीते हैं यार। यार यहाँ ना पाँव रखने की जगह नहीं होती इसके पास ना बिल्कुल ही जबरदस्त कर समझे वो पैक होता है बिल्कुल। यहाँ पे चेक करें आप लोग पराठे वराठे सब बन रहे हैं यार मज़ेदार। और लोग जो है आज अंदर की सीटें पकड़ के बैठे हुए। लेकिन भाई बारिश हो रही है तो हम लोग जो है यहीं बाहर ही बैठेंगे तो बारिश का एंजॉय कैसे होगा यार अगर बाहर नहीं बैठेंगे तो। इसलिए बाहर बैठेंगे। हाँ भाई मालिक वाले भाई कैसे हो? ठीक हो मजे में भाई? मालिश लेके घूम रहे। दिखाओ दिखाओ तेल तो दिखाओ सारे चार पांच तेल है भाई अलग अलग मालिश के। फुरकान भाई मालिश करवानी है? नहीं यार करवा लो तुम्हें बहुत जरूरत है। नहीं 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 है। अच्छा चलो सही है। चाय का ऑर्डर कर दिया अभी चाय आती है तो पीते हैं यहाँ। तो भाई ये आ गई है गर्मा गर्म चाय। हाँ भाई फुरकान भाई कैसी लग रही चाय? मजेदार दिखने में। दिखने में तो अच्छी लगती है पी के तो बताओ कैसी है? हाँ हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ गर्मा गर्म। ये देखो तुम कह रहे थे ना धुआं उठना चाहिए धुआं उठ रहा है ये देखो क्या बात है भाई धुआंधार चाय। हाँ भाई यार चीनी कम लग रही है। नहीं करो यार फुरकान भाई आजकल चीनी कम होनी चाहिए यार चीनी बहुत ज्यादा होने लग गई हम लोगों की है ना। सही है फुरकान भाई बारिश तेज हो गई यकीन मान बारिश तेज हो गई है ना। हाँ यार मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा हमको है ना पड़ेगा नहीं मोबाइल अंदर रख लेते ब्लॉग कैसे देखेंगे हम। वही ना यार मोबाइल खराब हो गया तो ब्लॉग परसों तरसों ही आएगा अगर बैकअप हो गया तो है ना ये रखना पड़ेगा। लाटी मामा डीटी भाई सही है भाई सब सब जो है ना लड़के वड़के सब निकले हैं बाहर और फुल एंजॉय कर रही है। चले हम लोग चाय पीते हैं यार फिर यार। और भाई ये आ गया हमारा गर्मा गर्म पराठा क्या बात है भाई क्या बात है भाई। पहले ऑयली पराठा आ गया तो हमने बोला ऑयली नहीं चाहिए भाई बिल्कुल ऑयल बिल्कुल खुश्क होना चाहिए तो खुश्क वाला पराठा आ गया भाई। हम जो है ना ढूंढ रहे थे कि कहीं से हमें समोसे या पकोड़े मिल जाए लेकिन भाई ना समोसे मिले ना पकोड़े मिले तो हमने सोचा कि भाई गर्मा गर्म चाय के साथ हम पराठा ट्राई करें यार। तो आज पराठा खाया हमने बारिश के अंदर बड़ा ही मजा आया भाई। इस पर रात के 2:23 हो रहे हैं और भाई पठान ने ना बड़ा जबरदस्त सा पराठा हमें बना के दिया था और वो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट दे रहा था जैसे आप समोसे पकोड़े गर्मा गर्म खा रहे होते ना बारिश के मौके में वैसा मजा आ रहा था। क्यों भाई फुरकान भाई मजा आया नहीं है? हाँ बहुत मजा आया पराठे में भी और चाय में भी बारिश के मौसम में और अगर पकोड़े और समोसे मिल जाते तो क्या ही बात हुए, 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 फुरकान भाई मैं तो कह रहा हूँ कि भाई बारिश का मजा दुबाला हो जाता कि भाई अब जो है ना हल्का हल्का पानी खड़ा होना शुरू हो गया है क्योंकि बारिश अच्छी खासी हो चुकी है भाई। तो अभी सीन ऐसा है कि भाई अभी ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करेंगे और हम घर जाएंगे फुरकान भाई को घर पे छोड़ेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग भी आप लोग को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो हमेशा की तरह जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज। तो भाई आज का ब्लॉग भी आप लोगों को उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज।